नमस्कार आप सभी को। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण स्थगित हो गई यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। आज 15 अप्रैल के दिन योगी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है बच्चों की पढ़ाई को लेके कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपके यूपी बोर्ड के होने वाले थे 10वीं और 12वीं की परीक्षा, वो 8 मई से जो होने वाले थे पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए हैं। योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है ये। देखिए, देश भर में कोरोना वायरस के दिनों दिन कहर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए 8 मई से शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और 20 मई के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा कि आपकी परीक्षा कराई जाएंगी या पूरी तरह से निरस्त करा दी जाएंगी जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और दूसरा, जो आपके स्कूल और कॉलेज हैं 15 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अगला आदेश आने तक 15 मई तक जब तक कोई नया आदेश नहीं जारी किया जाता तब तक आपका 15 तक यानी स्कूल कॉलेज आपका बंद रहेगा पूरी तरह से। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम पूरी तरह से 10वीं 12वीं के स्थगित है क्योंकि CBSE का भी कल रिपोर्ट आई थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे 12th क्लास के और 10th क्लास के, तो पूरे निरस्त ही हो गए। लेकिन अभी यूपी बोर्ड में ऐसा कोई फैसला नहीं आया है कि 10वीं की परीक्षाएं एकदम से निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, लेकिन इनकी जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन कर दी गए हैं आपके यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के। और 20 मई के बाद इस पर दोबारा बैठक होगी और दोबारा चर्चा की जाएगी नई डेट शीट के बारे में और कब आपका नई डेट शीट आता है और कब आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का, ठीक है। और कोई भी अपडेट आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको सूचित कर देंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।